हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लॉजिक गेट्स का जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट किया था। और आज के लेक्चर में अब हम यहां पर आगे की कंसेप्ट अपने स्टार्ट करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली मैंने आपको सारे के सारे लॉजिक गेट्स पढ़ा दिए थे, दैट इज नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट। ये सारे के सारे लॉजिक गेट हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिए थे। तो पूरी की पूरी थ्योरी हम लोगों ने स्टडी कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में अब हम यहां पर उस थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। और आज के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको पढ़ाऊंगा नैंड गेट एंड नॉर गेट एज अ यूनिवर्सल गेट। हेलो शुभम। तो बेसिकली आप लोग ना पूरे के पूरे लॉजिक गेट्स को एक बार ओपन कर लो, एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि यहां पर पूरे के पूरे लॉजिक गेट्स आपके वापस से यूज होने वाले हैं। तो जस्ट मैं एक मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं, एक बार आप पूरे लॉजिक गेट्स को अच्छे से देख लो, अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो आप लोग सबके सब, ठीक है। तो यहां पर जो आपके सेवन के सेवन लॉजिक गेट्स हैं वो आपको देखना है, क्योंकि यहां पर हम करेंगे क्या, बेसिकली हम नैंड गेट का इस्तेमाल करेंगे। और नैंड गेट का यूज करके जो बाकी के आपके सिक्स लॉजिक गेट्स हैं, आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ ट्रूथ टेबल देखना है और उनके इक्वेशन देखने, बस उतना। अगर आपको आता है तो कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आज स्टडी करेंगे नैंड गेट एज ए यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट की मीनिंग क्या होती है कि आपको नैंड गेट का यूज करना है, और नैंड गेट का यूज करके बाकी के जो लॉजिक गेट्स हैं, सिक्स लॉजिक गेट्स, उनको आपको रियलाइज करना है। इसका मीनिंग क्या है, लेट सपोज आप लैब गए, आपका टारगेट था कि भाई आज तो आपको एंड गेट यूज करना है, लेकिन आपने लैब जाकर क्या देखा कि सारे के सारे लॉजिक गेट सिर्फ नैंड गेट के हैं, एंड गेट कोई है ही नहीं। तो फिर आप क्या करोगे, नैंड गेट को यूज कर करके ही आप एंड गेट बना लोगे। तो बस यही लॉजिक होता है कि नैंड गेट का इस्तेमाल करके हम बाकी के सारे लॉजिक गेट्स यहां पर बना लें। हेलो लिपिका। तो ध्यान से देखो, वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि पहले मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, पहले मैं मेंशन कर देता हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट। एक बात और ध्यान रखना, आपको सिर्फ टू इनपुट नैंड गेट ही कंसीडर करना होता है। जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ टू इनपुट नैंड गेट आपको अलाउ होता है, उससे ज्यादा अलाउ नहीं होता है। उससे ज्यादा होगा तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा बहुत जगहों पे, लेकिन जब टू इनपुट ही सिर्फ अलाउ होते हैं ना, तब आपको ध्यान देना होता है कि आप कैसे करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर वन बाय वन हम सारे लॉजिक गेट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे नॉट गेट। तो यहां पर सबसे पहले हम नॉट गेट को रियलाइज करेंगे बाय यूजिंग टू इनपुट नैंड गेट। तो बहुत इजी होता है, आपको सिर्फ अपना टारगेट पता होना चाहिए। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका टारगेट है नॉट गेट में ए से ए बार बनाना, ठीक है, ए से ए बार आपको बनाना है। तो आपके पास जो नैंड गेट है वो टू इनपुट का है, आपको यह पॉइंट ऑलवेज माइंड में रखना है कि आपका जो नैंड गेट है वो ओनली टू इनपुट का नैंड गेट है। तो आप दोनों इनपुट ऐसे क्या क्या दो कि आपको ए से ए बार मिल जाए, आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल है ए, तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप दोनों इनपुट को कंबाइन कर दो, तो ए इंटू ए का होल बार कितना हो जाएगा, आपका ए का बार आ जाएगा। लॉजिक क्लियर है। एक और ऑप्शन था आपके पास कि आप एक को ए दे दो और एक को वन दे दे, तो ए इंटू वन का होल बार आंसर क्या आ जाता, ए बार हो जाता, ठीक है। आइडियली वन देना चाहिए, लेकिन इस वाली थ्योरी में ना ये ज्यादा फेमस नोटेशन है, दैट्स व्हाई मैंने ये बताया है, ठीक है, बट आपको दोनों माइंड में रखना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, अगर आप दोनों इनपुट को ए और ए दे दो, तो ए इंटू ए का होल बार, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में कि नैंड गेट को आपको कैसे माइंड में रखना है। नैंड गेट को आपको ऐसे माइंड में रखना है कि नैंड गेट में जितने भी इनपुट रहेंगे सबको मल्टीप्लाई करेगा और होल बार करेगा। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से आपको नॉट ऑपरेशन यहां पर मिल गया। नाउ नेक्स्ट इज एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन मीन्स अगेन यहां पर भी टू इनपुट से ज्यादा आपको नहीं लेना है। नॉट में तो चलो एक ही इनपुट होता था, लेकिन एंड में टू से ज्यादा ले सकते हैं ना, लेकिन आपको सिर्फ टू ही टू का देखना है अभी। तो आपको क्या करना है, ए इंटू बी जनरेट करना है। इफ यू हैव टू वेरिएबल्स ए कॉमा बी, यू नीड टू जनरेट ए इंटू बी। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, देखो आपको यह समझना होगा कि आपके पास जो नैंड गेट है वो टू इनपुट का है। तो आपको यह अंडरस्टैंड करना होगा कि आप ऐसा क्या करो कि आपको यहां ए बी मिल जाए। दो इनपुट अगर आपने ए और बी अप्लाई कर भी दिए, तो आप खुद देखो लॉजिक लगाओ कि अगर आप एक बार नैंड परफॉर्म करोगे यू विल गेट ए बी का होल बार। नाउ आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ए बी, मतलब यहां पर आपको एक नॉट गेट चाहिए। नॉट गेट आपने ऊपर पढ़ लिया है, देख लो
किसका यूज करके, नैंड गेट का यूज करके। तो जब भी आप दोनों इनपुट को शॉर्ट कर देते हो, मतलब दोनों इनपुट एक ही कर देते हो, तो आपको नॉट ऑपरेशन मिल जाता है। तो वही तो आपने किया, आपने दूसरे वाले नैंड गेट में दोनों इनपुट को एक ही कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉट ऑपरेशन मिल जाएगा और एबी का बाद से क्या हो जाएगा, एबी हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो पा रहा है अच्छे से? तो आपको बस पॉइंट यही समझना है कि आपके पास नैंड गेट है और आपको बाकी के लॉजिक गेट्स रियलाइज करने हैं, टू इनपुट वाले ओनली। नाउ नेक्स्ट इज ऑर गेट। ऑर गेट मींस योर टारगेट इज ए प्लस बी। अब देखो, हो सकता है कि ये थ्योरी बहुत लोगों को पहले से आती भी हो, लेकिन आपको ये समझना होगा कि इस थ्योरी के बीच बीच में मैं ऐसे कंसेप्ट आपको बता दूंगा, अभी तक मैंने बताया नहीं लेकिन अब बताऊंगा, ऐसे कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा ताकि अगर इस थ्योरी की जगह कोई नया न्यूमेरिकल आ गया और बोला टू इनपुट नैंड गेट से रिलाइज करो, तो आप कर पाओगे। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना। देखो ध्यान से, देखो अब आपको ए प्लस बी बनाना है। हो सकता है आपने अपने कॉलेज लाइफ में पढ़ा हो कि ए प्लस बी आप कैसे रिलाइज करते हो बाय यूजिंग नैंड गेट, और आपको याद भी हो, लेकिन ना कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से समझना, आप हमेशा ये बात याद रखो, माइंड में रखो कि नैंड गेट का काम क्या होता है, जितने भी इनपुट रहेंगे सबको मल्टीप्लाई करना, पहले मल्टीप्लाई करना फिर होल बार करना, ठीक है? ये पॉइंट सबको पता है। तो यहां पर आप नैंड गेट यूज कर रहे हो, तो बस आप ये पॉइंट माइंड में रखो कि जब आप नैंड गेट यहां पर यूज कर रहे हो ना, तो आपको ना जो भी इक्वेशन दिया है रिलाइज करने के लिए, ये मत सोचो ये और ऑपरेशन है, बस ये सोचो ये एक इक्वेशन है, जो भी इक्वेशन दिया है रिलाइज करने के लिए, उसमें ना सारे के सारे डॉट होने चाहिए, मल्टीप्लाई होने चाहिए, क्योंकि नैंड गेट का काम पहले मल्टीप्लाई करना है फिर होल बार करना है। तो देखो अभी जो हमने एंड ऑपरेशन किया, जो इक्वेशन हमें गिवन था उसमें डॉट ही था, तो मैंने ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया, डायरेक्टली रिलाइज कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप नैंड गेट से रिलाइज कर रहे होगे और अगर इक्वेशन में कहीं भी कोई भी प्लस दिखाई देता है, अच्छे से सुन लो मेरा पॉइंट, कहीं भी कोई भी प्लस दिखाई देता है, तो सबसे पहला काम होगा उस प्लस को रिमूव करना। इस तरीके से माइंड में थ्योरी को बैठाओ ताकि कोई नया प्रॉब्लम आए, जो मैं करवाऊंगा आज, नया प्रॉब्लम आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो क्या करोगे, आपको इस प्लस को हटाना है। आप क्या सोचोगे कि भाई मैं तो नैंड गेट यूज कर रहा हूं, नैंड गेट का काम पहले मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे प्लस नहीं दिखना चाहिए। तो प्लस अब ऐसे तो हटा नहीं सकते, मीनिंग चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं इक्वेशन की, तो फिर कैसे हटाओगे, डबल बार करके। मतलब हो सकता है प्रोसेस आता हो, लेकिन इस प्रोसेस को इस तरीके से माइंड में रखना इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं। तो फिर आप देखो, एक बार ओपन कर दोगे डी मॉर्गन लगा के, तो ए बार बी बार। अब आप देख सकते हो यहां पर कोई भी आपको प्लस दिखाई नहीं दे रहा, सारे के सारे डॉट है। बस अब आप रियलाइज कर दोगे, जैसे यहां पर ऑटोमेटिकली डॉट था तो आपने डायरेक्टली रियलाइज किया, और यहां पर आपने कुछ फंक्शन परफॉर्म किया उसके बाद रियलाइज किया। तो यहां पर आप देखो ए बार चाहिए, तो हमें आता है ए बार बनाना। आप देखो आपको बी बार चाहिए, तो आपको आता है बी बार बनाना। उसके बाद आप देखो ए बार और बी बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका होल बार हो रहा है। ए बार और बी बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका होल बार हो रहा है। ऐसा कौन करता है, ऐसा सिर्फ नैंड गेट कर सकता है। तो फिर एक और नैंड गेट लग जाएगा, ए बार बी बार आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उनका वापस से बार हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी को जो आपने ये लिखा था। तो इस तरीके से आप अपना आंसर अचीव कर सकते हो। सबको सिचुएशन क्लियर हो गई अच्छे से? तो जब भी आपको कोई भी प्लस दिखाई देगा, आप इसी तरीके से करोगे जब आप नैंड वाला कंसेप्ट स्टडी करोगे। ये पॉइंट आपको समझना होगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा नॉर। नॉर क्या होता है, ए प्लस बी का बार। अब देखो वैसे तो आपको नॉर को भी अलग से करना चाहिए, लेकिन अगर आपने एक बार और कर लिया ना, तो देखो और क्या होता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी में सिर्फ आपको बार लगाना है, तो फिर इतना टेंशन नहीं लेना। पहले आप और कर लोगे और जो भी और का आंसर आएगा, जो ए प्लस बी होगा, उसका खाली बार कर दोगे तो नॉर आ जाएगा। मतलब अलग से सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आपने और के लिए माइंड लगा लिया है तो नॉर डायरेक्ट हो जाएगा। मतलब यहां पर इसको बनाना पड़ेगा ना, ये वाला फिगर, मतलब टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए टोटल। मतलब मैंने ये फिगर बनाया नहीं क्योंकि मैंने यहां बता दिया था आपको, लॉजिक क्लियर है? तो और हो जाने के बाद नॉर बहुत ईजी है, ये पॉइंट ध्यान रखना। वैसे ये चारों ही बहुत ईजी थे। मेन जो कंसेप्ट होता है ना, वो आपका एक्सॉर और एक्सनॉर का ही होता है।
जो आपको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। तो यहां पर आप देखो ए बार बी प्लस ए बी बार। अब इसको भी आप थोड़ा बहुत अच्छे समझ लेना, यहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं बिकॉज ऑफ दिस सिमेट्री। सिमेट्री क्यों है, देखो एक बार एक का बार है, दूसरा नॉर्मल है, फिर दूसरा नॉर्मल है तो एक का फिर से बार है। तो इस तरीके की आपकी सिचुएशन है, एक का बार, दूसरा नॉर्मल, फिर एक नॉर्मल तो दूसरे का बार। तो इस सिमेट्री के कारण यहां पर कुछ एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं फिर भी पहले जैसे बता रहा हूं वैसे ही चलता हूं, ठीक है। तो आप देखो मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आप नैंड गेट से रियलाइज करो तो आपको सारे के सारे डॉट दिखाई देने चाहिए, कोई भी प्लस नहीं दिखाई देना चाहिए। तो जब भी प्लस दिखाई दे आप डबल बार लो। तो अगर आप डबल बार लेते हो तो यहां पर जब आप सिंगल बार ओपन करोगे तो ए बार बी का बार डॉट ए बी के बार का बार, डी मॉर्गन लगाओगे, ए प्लस बी का होल बार कितना होता है, ए बार डॉट बी बार, ठीक है। ये सिचुएशन आपकी हो जाएगी। तो ये जो हम लोग अब सिचुएशन बना लिए हैं, अब आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप देखो यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ नैंड गेट काउंट करूं तो देखो पहले आपको ए बार चाहिए होगा, दिखाई दे रहा है सबको ए बार, फिर आपको बी बार भी चाहिए होगा। तो ए से ए बार एक नैंड गेट, अच्छे से समझना, इसको गिनना आना चाहिए आपको, काउंटिंग करनी आनी चाहिए ना। तो ए से ए बार एक नैंड गेट, बी से बी बार दूसरा नैंड गेट, ए बार इंटू बी का होल बार तीसरा नैंड गेट, क्योंकि दो को मल्टीप्लाई करके होल बार नैंड गेट करता है, फिर ए बी का बार का होल बार चौथा नैंड गेट, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होके देखो लास्ट में ये दोनों आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इन दोनों का फिर से होल बार हो रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पांचवा नैंड गेट, ए से ए बार फर्स्ट नैंड गेट, ए बार बी का होल बार सेकेंड नैंड गेट, बी से बी बार थर्ड नैंड गेट, ए बी का होल बार फोर्थ नैंड गेट, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होके होल बार फिफ्थ नैंड गेट। लेकिन एक्चुअल में ना बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऐसा एक तरीका है जिससे कि सिर्फ चार नैंड गेट पे बात बन जाती है। आपको यह समझना होगा कि जब कम में बात बन सकती है और सेम आंसर आएगा तो आपको कम वाला आंसर लेना है ऑलवेज। तो वैसे तो जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं उसको ऑलवेज ध्यान में रखना है कि प्लस आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन नैंड ऑपरेशन बेसिकली जब आप नैंड गेट का यूज करोगे फॉर एग्जॉर तो उस टाइम पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। तो आप देखो यहां पर ये प्रोसेस एक्चुअल में आपका रॉन्ग होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। यहां पर हम ऐसा कुछ परफॉर्म कर सकते थे जिससे कि आपका चार नैंड गेट में ही बात बन जाती। तो देखो क्या होगा, ए बार बी प्लस ए बी बार। अब आप समझो यहां पर एक बार ए का बार है, एक बार ए नॉर्मल है, एक बार बी का बार है, एक बार बी नॉर्मल है। तो इस सिमेट्री के कारण अगर मैं कुछ एडजस्टमेंट करूं अब, तो आप मुझे बताओ अगर मैं कुछ चीज प्लस करना चाहता हूं तो क्या प्लस करूंगा, जीरो। ये मैंने समझाया है ताकि इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े। तो a इंटू ए बार कितना होता है, जीरो, b इंटू बी बार भी क्या होता है, जीरो। तो यहां पर देखो इस सिमेट्री के कारण हम क्या करते हैं, अगर मैं a कॉमन ले लूं, अगर मैं a कॉमन ले लूं तो आपको ब्रैकेट में क्या मिलता है, a बार प्लस b बार। अगर मैं b कॉमन ले लूं फिर से आपको ब्रैकेट में मिलता है a बार प्लस b बार। लॉजिक क्लियर है यहां तक, मैंने a बार b बार ऐड किया तो a बार जीरो, बी बी बार भी जीरो। सिर्फ आपको यहीं पर ध्यान रखना है, बाकी हर जगह कंसेप्ट सेम है जो मैंने बताया, इवन न्यूमेरिकल में भी कंसेप्ट सेम ही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मेन बस एग्जॉर में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो आप देखो आपका टारगेट क्या है कि आपके पास नैंड गेट है तो जहां जहां नैंड में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है वहां तो कर लो पहले। तो ए बार प्लस बी बार कितना होता है, ए बी का होल बार, तो ये तो डायरेक्टली नैंड में कन्वर्ट हो गया। अब आप समझो इतना कर लेने के बाद भी लास्ट में एक प्लस है तो जब भी प्लस रहेगा तो जो मैंने प्रोसेस बताया वही फॉलो करना है जो हम यहां भी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद। यहां पर अगर आप एक खास बात देखोगे ना तो यहां पर दोनों जगह ए बी का बार है जबकि यहां पर एक जगह ए बार था एक जगह बी बार था, तो दोनों अलग अलग जनरेट करने पड़ रहे थे। तो यहां पर देखो आपका लास्ट टारगेट वही रहेगा कि अगर आपको प्लस को रिमूव करना है तो आपको डबल बार लेना होगा, आपको डबल बार लेना होगा इस इक्वेशन का। और क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, जब आप डबल बार लोगे उसके बाद जब एक बार को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, इसका बार डॉट बी इंटू ए बी का बार
इसका बार और फिर एक जो होल बार है आपका, ठीक है। मैंने देखो दो रेड थे ना आपके, मैंने एक वाले रेड को ओपन कर दिया और एक रेड को रहने दिया यहां पर, तो क्या सिचुएशन आ गई। अब आप काउंट करो, यहां पर आपने काउंट किया था, आपका आंसर आया था 5। अब आप काउंट करो, ए पहले ए बी बार आपको बनाना पड़ेगा। ए बी बार बनाओगे तो ए बी बार बनाने के लिए एक नैंड गेट, जो ए बी बार बनाओगे वो यहां भी काम आ जाएगा क्योंकि यहां भी ए बी बार है, तो एक ही नैंड गेट से ए बी का बार बन जाएगा दोनों के लिए। फिर ए इंटू ए बी के बार का बार, दूसरा नैंड गेट, देखो ना इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और होल बार किया। फिर बी इंटू ए बी का बार, तीसरा नैंड गेट, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके होल बार, फोर्थ नैंड गेट। तो आपकी बात एक्चुअल में चार नैंड गेट से बन जाती है। मैं इसका भी फिगर भी आपको बना के दिखाऊंगा, जैसा मैंने इनका फिगर आपको बना के दिखाया है। तो ध्यान रखना है एक्सोर गेट में, चूंकि यहां सिमेट्री होती है ना ए और बी में, दैट्स व्हाई थोड़ा सा आपको माइंड में रखना पड़ेगा एडजस्टमेंट को। तो यहां पर ध्यान रखना, प्रोसेस तो यही होता है कि जब भी प्लस दिखाई दे आपको डबल बार लगा के प्लस को रिमूव करना है। वैसे नॉर में उल्टा होगा, नॉर में जब करेंगे ना तो वहां पे डॉट को रिमूव करना होगा, क्योंकि नॉर गेट का काम प्लस करना होता है। हमेशा काम से याद रखा करो, तो काम क्या है नैंड गेट का, डॉट करना है, तो प्लस दिखाई नहीं देना चाहिए। जब भी प्लस दिखाई देगा डबल बार लोगे, लेकिन एक्सोर गेट में थोड़ी सी एडजस्टमेंट के बाद। तो आप लोग इसको पहले अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, समझ लो, फिर मैं इसको इधर क्लियर कर रहा हूं और यहां पर आपके लिए फिगर बना देता हूं, ठीक है। सो देखो यहां पर फिगर, देखो आपको ए बी का बार दोनों में चाहिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ए बी का होल बार ही डेवलप कर लोगे, क्योंकि आपको ए बी का जो होल बार है वो दोनों का दोनों में चाहिए। उसके बाद गुड इवनिंग प्रियंका, देन उसके बाद आपको क्या करना है, ए इंटू ए बी का बार करना है। दैट मीन्स ए और ए बी के बार को आपको क्या करना है, नैंड करना है। देखो मैंने नैंड का काम ना आपको बहुत सिंपल तरीके से सिखाया हुआ है, अगर आप ना ऐसे रटोगे ना कि नैंड मतलब ए बी का होल बार होता है, तो कभी भी ऐसे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपको रटना नहीं है, आपको ऐसे थ्योरिकली माइंड में रखना है कि नैंड का मतलब होता है जितने भी इनपुट रहेंगे सबको मल्टीप्लाई करेगा और होल बार करेगा। तो देखो यहां पर एक इनपुट था ए, एक इनपुट था ए बी का बार, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया और होल बार कर दिया, वही तो हमें चाहिए था। सेम वैसे ही बी, बी इंटू ए बी का बार, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर होल बार कर देगा। तो देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया, अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और होल बार करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बस एक और नैंड गेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके होल बार कर दो, तो आंसर आ गया फाइनली एक्स और बी। ये आपका ए एक्स और बी ही तो है ना फाइनल। तो ये जो फिगर है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लेक्चर्स के बाद जब हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट स्टार्ट करेंगे ना, तब आप देखोगे एडर में, जब हम लोग हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर पढ़ेंगे, तो ये फिगर बार बार रिपीट होगा आपके लिए। तो काफी से ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है, इस फिगर को ऑलवेज आपको माइंड में रखना है, सबके सबको, मतलब प्रोसेस भी ध्यान में रखो, उसके बाद जब इतने बार प्रैक्टिस करोगे तो फिगर ऑटोमेटिकली आप सबको याद हो जाएगा। लॉजिक क्लियर हो गया सबको। नाउ एट लास्ट एक्स नॉर, अगर आप सबको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सोर गेट और एक्सनॉर गेट ये दोनों चीजें स्टडी करी है डिटेल में। चूंकि अभी हम लोग सिर्फ टू इनपुट के साथ ही डील कर रहे हैं, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फॉर टू इनपुट एक्सोर गेट कॉम्प्लीमेंट होता है, मींस एक्सोर ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट होता है एक्सनॉर का, और एक्सनॉर कॉम्प्लीमेंट होता है एक्सोर का। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहां पर जो ए एक्सनॉर बी होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा ए एक्सोर बी का। तो चूंकि आपने ए एक्सोर बी बना लिया है जिसके लिए आपको चार नैंड गेट लगे थे, तो बस अब आपको वैसे ही करना है जैसे आपने और से नॉर किया था, क्योंकि वो भी तो कॉम्प्लीमेंट था। तो कितना हो जाएगा ए बी एक्सोर, इसका क्या करना है आपको, ए एक्सोर बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमने कॉम्प्लीमेंट के लिए प्रोसेस पढ़ रखा है कि दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दो, दोनों इनपुट अगर एक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, नॉट गेट, जो हमने पहला केस पढ़ा था आज के लेक्चर में। तो बस ये आपके हो गए 4 फॉर एक्सोर गेट और 5 हो गए, 4+1 5 हो गए फॉर एक्सनॉर गेट। सबको सिचुएशन क्लियर हो पा रही है अच्छे से,
तो ये आपका यहां पर पूरा का पूरा कंसेप्ट होता है, मतलब थ्योरिकल। अभी मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा इसमें और ओवरऑल भी न्यूमेरिकल करवाऊंगा लॉजिक गेट पे, बस एक बार ये कंसेप्ट फिनिश हो जाए हमारे, लेकिन अभी इसके न्यूमेरिकल में अभी करवाऊंगा ताकि ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाओ प्रोसेस को। तो मैं रिमूव कर रहा हूं सारी चीजों को, अब आपको सारे के सारे आंसर्स जो हैं वो माइंड में रखने चाहिए, स्पेशली जो नेट के स्टूडेंट हैं या इवन गेट में वन मार्क में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको ये पूछ ले कि एक्सॉर गेट के लिए कितने आपको नैंड गेट चाहिए, लेकिन फिर भी मतलब चांसेस कम है गेट में, लेकिन नेट में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अब मैं वो डिस्कस करूंगा। तो आप ध्यान से अब देखो इसे, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर y इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बार प्लस आर प्लस एस। एक काम करो, प्लस वाला बाद में करेंगे, पहले ये कर लो पी क्यू बार आर एस, पहले ये करता हूं मैं। चलो तो क्या आप लोग यहां पर मुझे बता सकते हो कि कितने टू इनपुट, ध्यान रखना मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है जो मैंने आज आपको थ्योरी पढ़ाई है, ये टू इनपुट नैंड गेट आपको कितने लगेंगे, क्या सबके सब मुझे बता सकते हो यहां पर? तो ध्यान से आप देखो सबके सब, मैं कर रहा हूं, आप लोग मुझे बताना सही है कि गलत है, ठीक है? मेरा क्वेश्चन क्या है कि ये आपका आउटपुट वाई है, आपको टू इनपुट नैंड गेट का यूज करना है और मुझे बताना है कि कितने टू इनपुट नैंड गेट लगेंगे। तो मैं आपको करके दिखाता हूं, आप मुझे बताना कि मैंने सही बनाया कि नहीं बनाया। क्या मैंने करेक्ट बनाया है या नहीं, कोई भी बता सकता है क्या मैंने सही बनाया या नहीं बनाया है? क्या ये फिगर सही है जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग, या ये फिगर रॉन्ग है? क्योंकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है, मैं तीन प्रॉब्लम कराऊंगा और उसके बाद यकीन मानो आप पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर जाओगे। ओके, वेरी गुड शुभम, हमें तो नैंड गेट यूज करना था, ये चीज तो देखनी है, लेकिन फिर भी ये फिगर सही है। उसका एक्सप्लेनेशन ये है शुभम, जैसे कि मान लो, लेट सपोज आपने कोई फॉर्मूला, आपने कोई फॉर्मूला क्लास में पढ़ा जो कि दो पेज का डेरिवेशन था, ठीक है, जो कि टू पेजेस का डेरिवेशन था आपने क्लास में पढ़ा, और उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में और वो फॉर्मूला आपको याद है, तो क्या आप एग्जाम में वो दो पेज का डेरिवेशन वापस से करोगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, जहां पर सिर्फ आपको आंसर टिक करना है, क्या वहां पर आप दो पेज का डेरिवेशन वापस से करोगे उसके बाद वो फॉर्मूला यूज करोगे, कि अगर आपको याद है और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दोगे? इस बात का आंसर दो, क्या करोगे? अगर फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है और वो फॉर्मूला आपको याद है तो क्या आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे कि दो पेज का डेरिवेशन आप वापस से करोगे, पूरा फॉर्मूले को पहले डिराइव करोगे? ठीक है, तो वही पॉइंट है, जब आपने अभी एक थ्योरी पढ़ी, आपने थ्योरी में क्या पढ़ा कि फॉर एंड गेट वी रिक्वायर्ड टू नैंड गेट, फॉर नॉट गेट वी रिक्वायर्ड वन नैंड गेट, टू इनपुट, ठीक है, वो थ्योरी हमने पढ़ ली, वो थ्योरी पढ़ ली हमने। और मैंने आपको एक और पॉइंट बोला कि जब भी डॉट दिखाई दे रहे हो, मतलब जब भी कोई प्लस ना दिखाई दे रहा हो, तो आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, ये दोनों बातें मैंने आपको थ्योरी में बताई अभी। तो फिर जब आपको पता है कि नॉट गेट के लिए एक नैंड गेट चाहिए, एंड गेट के लिए दो नैंड गेट चाहिए, जो हमने अभी पढ़ा आंसर, तो आंसर आपका 7, आप डायरेक्टली क्यों नहीं लिख सकते? आपको क्या जरूरत है कि इस नॉट गेट को आप नैंड गेट में बनाओ, इस एंड गेट की जगह आप दो नैंड गेट वापस से लगाओ, अपने फिगर को और बड़ा बनाते जाओ, क्या इतना टाइम है हमारे पास एग्जाम में? जो चीज हमें डायरेक्टली मिल सकती है बाय थ्योरी जो हमने पढ़ी है अभी, तो हम डायरेक्टली करेंगे ना। तो एक बात आप सबके सब अच्छे से सुन लो, देखो बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मेथड लोग बना लेते हैं इन चीजों के, मैं सीरियसली बता रहा हूं, आप कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो मैं तरीका बता रहा हूं उससे, ठीक है? तो यहां पर एक बात को समझो, मैं अच्छे से रिपीट कर रहा हूं, सबके सब सुन लो, जब भी टू इनपुट नैंड गेट से कोई भी क्वेश्चन रिलाइज करने के लिए आएगा, जब भी टू इनपुट नैंड गेट से कोई भी क्वेश्चन रिलाइज करने के लिए आएगा, तो उस इक्वेशन में सबसे पहले यह देखना कि क्या कोई प्लस का साइन है। अगर कोई प्लस का साइन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे यहां पर एक भी प्लस नहीं था,
मैंने क्या बोला, नैंड गेट का काम क्या होता है, मल्टीप्लाई करना फिर होल बार करना। तो नैंड गेट से अगर रिलाइज करना है तो कोई प्लस नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर कोई प्लस नहीं दिखाई दे रहा है तो क्वेश्चन डायरेक्ट है। फिर ऑब्वियसली बात है, जब कोई प्लस नहीं होगा तो नॉट गेट या एंड गेट ही यूज हो सकता है। बस जितने यूज हो रहे हैं दो दो करके आपको हर बार में सिर्फ दो ही इनपुट देना है, ये ध्यान रखना, इसमें गलती मत कर देना। उसके बाद फिर काउंट कर लो, टू 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 वन फिनिश। लेकिन ये एक फॉर्मेट है, लेकिन अगर प्लस दिखाई देगा तो फॉर्मेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट बनाने हैं, ठीक है। आपको ना जबरदस्ती का यहां पर नैंड गेट बना बना के फिर कनेक्शन को हटाने की फिर सर्किट को एक एक करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यकीन मानो कोई भी क्वेश्चन होगा आपका आंसर सही आएगा। बस केयरफुल क्या रहना है, कोई भी प्लस नहीं दिखाई देना चाहिए। लॉजिक क्लियर? तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम थी। नाउ सेकेंड प्रॉब्लम थोड़ा अलग। लेट सपोज वाई है आपका पी क्यू प्लस आर एस। तो यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, तो जब प्लस रहेगा तो जो प्रोसेस मैंने बताया वही फॉलो करना है। जब भी प्लस रहेगा तो डबल बार लगा के सबसे पहले प्लस को रिमूव करना है। नैंड गेट से रिलाइज करते समय कोई भी प्लस नहीं दिखाई देना चाहिए, दैट्स इट। तो फिर क्या हो जाएगा, पी क्यू का बार डॉट आर एस का बार। और जब आप डबल बार लगा के प्लस को हटाते हो ना तो ऑटोमेटिकली वो नैंड के फॉर्म में ही आ जाता है। देखो P इंटू क्यू का होल बार एक नैंड गेट, R इंटू एस का होल बार दूसरा नैंड गेट, इन दोनों का मल्टीप्लाई होके होल बार तीसरा नैंड गेट। तो कितना बन गया, पी क्यू का होल बार फिर आर एस का होल बार और उसके बाद पी क्यू का बार इंटू आर एस का बार का होल बार, मतलब पी क्यू प्लस आर एस। हो गया आंसर आपका, देख सकते हो आप लोग सबके सब। तो आप देखो कितना आसानी से हम लोगों ने आंसर अचीव किया है। तो जब प्लस नहीं दिखाई दे रहा तब भी बहुत इजी, जब प्लस दिखाई दे रहा तब भी बहुत इजी। लेकिन कुछ अलग क्वेश्चन भी हो सकता है, वो भी मैं कराऊंगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, वो भी मैं कराऊंगा। लेकिन अभी देखो ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया सबको। अगर बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है तो हमने ये रियलाइज कर लिया कि सेकंड प्रॉब्लम के लिए हमें कितने लगे, सेकंड प्रॉब्लम के लिए हमें 3 लगे, 1 2 3। सेकंड प्रॉब्लम हमारी फिनिश हो गई है, ठीक है। अब मैं एक और छोटा सा पहले चीज बता रहा हूं, फिर मैं थर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा। आप ध्यान से देखो, अगर मैं ये बोलूं आपको सेकंड प्रॉब्लम हमारी कंप्लीट हो गई ना, मैं कुछ नया बताने जा रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको ये बोलूं कि y इक्वल टू पी क्यू प्लस आर एस को आप एंड गेट और गेट से रिलाइज करो, टू इनपुट एंड गेट और टू इनपुट और गेट से आप रिलाइज करो, तो आप कुछ ऐसे रिलाइज करते हैं ना। देखो ध्यान रखना, सेकंड प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई है, कंफ्यूज नहीं होना, हमारा आंसर आ गया 3। बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूं आपको, एक नया चीज बोल रहा हूं कि पी क्यू प्लस आर एस को बस एंड गेट और गेट से रिलाइज करो। तो एक कर सकते हैं, टू इनपुट एंड गेट, टू इनपुट और गेट से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर आप देखो, जब आपने पी क्यू प्लस आर एस को नैंड गेट से रिलाइज किया था तो आंसर आया था, अभी भी हमारा आंसर आया है पी क्यू प्लस आर एस। अगर आप दोनों फिगर में एक सिमिलैरिटी देखोगे तो दोनों फिगर में नंबर ऑफ गेट्स 3 ही यूज हुए हैं, ठीक है। तो एक बात समझो आप, फर्स्ट स्टेज मतलब पहली कॉलम फिर दूसरी कॉलम, फर्स्ट स्टेज मतलब जहां पर एक साथ हो रहा है काम फिर दोबारा। तो फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में नैंड, सेकेंड स्टेज में नैंड, फर्स्ट स्टेज में एंड, सेकेंड स्टेज में और, आंसर विल बी सेम, आंसर विल बी सेम पी क्यू प्लस आर एस इफ इनपुट्स आर सेम, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक निकल कर आता है, नैंड नैंड लॉजिक इज ऑलवेज इक्वल टू एंड और लॉजिक। मतलब अगर आप नैंड के बाद नैंड ऑपरेशन परफॉर्म करो तो ऑलवेज इक्वल होगा एंड के बाद और ऑपरेशन के, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रखना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आपको समझ में भी आनी चाहिए, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, और आपको माइंड में भी रखना है, दोनों चीजें हैं। तो पहले आप लोग इतना अंडरस्टैंड कर लो, फिर मैं इसको क्लीन करूंगा और एक नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे जो थोड़ी हटके होगी। अभी तक जो मैंने बताया दो कंसेप्ट, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब एक लास्ट फॉर्मेट मैं आप लोगों को बताऊंगा यहां पर, और उसे भी आपको बहुत अच्छे से यहां पर अंडरस्टैंड करना होगा।
ओके सो देखो लास्ट प्रॉब्लम, वाई इज इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार आर प्लस एस, ये आपकी प्रॉब्लम है। पहले मैं आप लोगों को एक से डेढ़ मिनट दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करो और मुझे बताओ कितने आपके टू इनपुट नैंड गेट यहां पर लगेंगे। ठीक है, आप लोगों को ट्राई करना है और मुझे ये समझाना है कि यहां पर टू इनपुट नैंड गेट आपके कितने लगेंगे। सबको सिचुएशन क्लियर हो रही है अच्छे से? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अगर आप लोग इस चीज को लर्न कर गए ना तो फिर आप समझ लो आप नैंड गेट से रिलेटेड कोई भी इक्वेशन आ जाए आप रियलाइज कर लोगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, तो आप सभी के सभी ट्राई करो, जो जो अभी लाइव हैं सबके सब ट्राई करो, या जो बाद में भी देखोगे। हमेशा आपको ध्यान रखना होता है कि आप अगर कभी बाद में भी लेक्चर देखते हो तो आपको ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे लाइव है। जैसे मैं बोल रहा हूं अभी ट्राई करो तो वीडियो को पॉज करके फिर ट्राई करना, पर करना जरूर है आपको ट्राई, हमेशा अपनी प्रैक्टिस बना के रखो। तो आप सभी चेक करो और मुझे बताओ कितने टू इनपुट नैंड गेट हमें यहां पर लगेंगे, सबके सबको आंसर करना है। ओके, प्रियंका ने आंसर किया है 7, वेरी गुड प्रियंका। चाहे आंसर सही हो चाहे गलत हो वो मैं बाद में डिसाइड करूंगा, लेकिन आपने आंसर दिया, वेरी गुड। ट्राई करो सबके सब, एटलीस्ट ट्राई करो, कोशिश करो, गलत होगा तो होने दो, सही होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, अब मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से देखो। देखो सबसे पहला पॉइंट आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि जब भी एग्जाम में आएगा टू इनपुट नैंड गेट से रिलाइज करो, मतलब जो मिनिमम आंसर होगा वो आपको देना है। अब आप खुद सोचो, कोई चीज अगर आपको 20 रुपए में मिल रही है, सेम क्वालिटी सेम चीज, तो उसको आप 50 रुपए में तो नहीं लोगे ना, बस सिंपल सा लॉजिक है यहां पर। तो यहां पर आप समझो, यहां पर आपके माइंड में ये बात आ सकती है, जो जो बातें माइंड में आ सकती है मैं वो सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, शुभम का आंसर आया 4, ये भी देख लेते हैं। देखो आपके माइंड में ये बात आ सकती है कि भाई यहां पर मैंने बोला था कि कोई भी प्लस नहीं दिखाई देना चाहिए, प्लस दिखाई देगा तो आप क्या करोगे, डबल बार लोगे। तो आप यहां पर ये कर सकते थे कि आप डायरेक्टली ही डबल बार ले लेते, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी जब आप डायरेक्टली डबल बार लेके एक बार को ओपन करोगे ना, तो यहां पर चीजें और बल्कि टफ हो जाएंगी आपके लिए। आप तो प्लस को हटाना चाहते थे और प्लस एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि यहां पे डॉट था। आपको समझना होगा कि आपको डबल बार तब लगाना है, आपको डबल बार तब लगाना है जब बीच में आपका प्लस हो, तभी तो वो बीच वाला टर्म डॉट में कन्वर्ट होगा। अगर बीच में डॉट होगा और डबल बार लगाओगे तो बीच में तो और प्लस प्लस आ जाएगा आपका, प्लस तो आपको चाहिए ही नहीं ना, आपको तो प्लस को हटाना है। तो ये पॉइंट आपको समझना होगा, तो बीच में डॉट है तो कभी डी मॉर्गन नहीं लगाओगे आप, पहले आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी यहां पर। तो ध्यान से देखो, एक बात और समझो। ओके, प्रियंका का आंसर भी 4 आया है, चलो देख लेते हैं एक बार, 2 का आंसर आ रहा है तो हो सकता है सही हो। देखो पी बार प्लस क्यू बार, एक बात आपको समझनी होगी, जहां पर वो डायरेक्टली नैंड गेट में कन्वर्ट हो रहा है उसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है, नैंड गेट से रिलाइज करना है और ये आपका डायरेक्टली नैंड गेट में ही कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आप डायरेक्टली ही कर दोगे ना। उसके बाद जैसा मैंने आपको बोला कि अगर बीच में डॉट है, दो टर्म के बीच में डॉट है, तो डबल बार लगा के कोई फायदा नहीं है उस टाइम, वो और प्लस में कन्वर्ट होगा और मुश्किल हो जाएंगी चीजें। आपको अगर डबल बार लगाना है तो दो टर्म के बीच में आपको प्लस लाना होगा। तो पी क्यू का बार आर, देखो ना अगर ओपन कर दोगे आप तो सेम सिचुएशन आ गई जो अभी तक आप डील कर रहे हो। अब अगर आप यहां पर डबल बार अप्लाई करते हो तो पी क्यू का बार आर प्लस पी क्यू का बार एस, और जब आप एक बार को ओपन करोगे यहां पर तो देखो क्या सिचुएशन आएगी आपकी, पी क्यू का बार आर का बार पी क्यू का बार एस का बार, ये आपकी सिचुएशन आ जाएगी, आप क्लियरली देख सकते हो। तो देखो पी क्यू का होल बार एक नैंड गेट, पी क्यू का बार इंटू आर का बार दूसरा नैंड गेट, पी क्यू का बार तो ऑलरेडी जनरेट कर चुके हो तो पी क्यू का बार इंटू एस का बार तीसरा नैंड गेट, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके होल बार चौथा नैंड गेट। तो देखो ऐसे काउंट करना सबको आना चाहिए जल्दी से, 4 नैंड गेट होगा आंसर। मतलब देखो ना, मान लो अगर आपने ये सब प्रोसेस कर लिया फिर ठीक से काउंट नहीं कर पा रहे हो या काउंट करने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। अभी अगर किसी को डाउट हो रहा है काउंट करने में तो आप क्लियर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, सबके सबको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है चलो, अब यहां पर
नॉर गेट भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। रियलाइजेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है, पर है लॉजिक गेट का क्वेश्चन, है आपका लॉजिक गेट का ही क्वेश्चन, एक्सॉर गेट का है। आप लोग सब ट्राई करो, ठीक है। नॉर गेट एज ए यूनिवर्सल गेट बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप देखो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं सिंपल सा, कि आपको ना ए एक्सॉर बी की वैल्यू चाहिए। अगर आपको गिवन है ए बी जीरो है, ये आपको गिवन है और ये आपको चाहिए, तो कोई आंसर बता सकता है? देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन, सिर्फ लॉजिक लगाना होता है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होता इन क्वेश्चन में, बट कंसेप्ट लगाना होता है, सोचना होता है अच्छे से। तो कोई आंसर दे सकता है? मैंने क्या बोला, ए एक्स और बी की वैल्यू चाहिए, ए बी आपका जीरो है, ये मेंशन है आपको, तो क्या कोई भी आंसर बता सकता है यहां पर? शुभम ने आंसर दे भी दिया, ए प्लस बी, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड। देखो इसके बहुत सारे मेथड हो सकते थे, लेकिन जो एक सबसे सिंपल मेथड जो आपके माइंड में आना चाहिए, इस प्रॉब्लम की बात नहीं है, हर एक प्रॉब्लम के लिए, वो ये आना चाहिए कि जो गिवन है ना उसका इस्तेमाल तो करोगे ना कहीं ना कहीं, ये समझ में आना चाहिए था आपको। अगर आपको ए बी इक्वल टू जीरो गिवन है, तो ए एक्स और बी का इक्वेशन में जिसका आंसर आपको चाहिए, वहां पर आपको ए बी इक्वल टू जीरो का कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब यह है कि आपको ए एक्स और बी का इक्वेशन कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि उसमें ए बी आ जाए। अब आप बोलोगे भाई ए एक्स और बी का इक्वेशन तो ऐसा होता है, यहां तो ए बी कहीं आता ही नहीं है। ठीक है, नहीं आता, लेकिन मैंने आपको यह भी तो पढ़ाया है कि जो ए एक्स और बी होता है वो ए एक्स और बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो आप देखो ए एक्स और बी कितना होता है, कल मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट लेक्चर में, ए बी प्लस ए बार बी बार। तो यहां पर अब अगर आप देखोगे तो जीरो प्लस ए बार बी बार का बार, तो यहां पर आपकी सिचुएशन क्या हो जाएगी, यहां पर आपकी सिचुएशन हो जाएगी ए बार बी बार का होल बार। ठीक है, तो ए बार बी बार का होल बार आपका आंसर क्या होगा, ए प्लस बी। तो आप इस तरीके से बड़े आराम से यहां पर आंसर अचीव कर सकते हो, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सबको सिचुएशन क्लियर हो पा रही है और सबको मेरी वॉइस आ रही है अभी, एक बार चैट सेक्शन में बताओ। हाँ हाँ शुभम, ये मैं बताने ही वाला था अभी, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड आपका क्या है, सेकेंड मेथड आपका ये है कि अभी अभी मैंने आपको ए एक्स और बी को एडजस्ट करके दिखाया था, ए बार प्लस बी बी बार करके, ये तो एक मेथड हो गया आपका। दूसरा मेथड ये भी तो था, उसमें मैंने क्या किया था, ए कॉमन लिया था तो ए बार प्लस बी बार आया था, बी कॉमन लिया था तो ए बार प्लस बी बार आया था, अभी जो मैंने नैंड गेट से रियलाइज किया था। तो आप देखो ए इंटू ए बी के बार का बार, सॉरी ए बी का बार प्लस बी इंटू ए बी का बार, यही हम लोगों ने अभी रियलाइज किया था ना ए एक्स और बी को। तो देखो ए बी जीरो है तो ए बी का बार कितना हो जाएगा, वन, तो आंसर क्या हो जाता है, ए प्लस बी। ये सेकेंड मेथड भी है जो आप यूज कर सकते हो। तो देखो आपको बस ये अंडरस्टैंड करना था कि जो गिवन है वो आप कैसे लेकर आओ। तो अगर शुभम आपने ये मेथड यूज किया था तो आप ये भी समझ सकते हो अच्छे से कि आप ये भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो ऑलवेज जो एक्सॉर और एक्सनॉर है ना, उनका रिलेशनशिप आपको समझ में आना चाहिए, उनका रिलेशनशिप कब कैसे यूज करना है वो भी आपको क्लियर रहना चाहिए। अगर अभी रिलेशनशिप की बात चल रही है, वैसे तो हम एक्सॉर एक्सनॉर गेट पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर रिलेशनशिप की बात चल रही है तो आप देखो दो इनपुट के लिए एक्सॉर और एक्सनॉर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ये मैंने पढ़ाया आपको। ये क्वेश्चन तो हो गया, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैं एक एक्स्ट्रा चीज आपको बता रहा हूं। ऐसी हम पढ़ तो अभी लॉजिक गेट ही रहे, तो आप देख लो दो इनपुट के लिए एक्सॉर और एक्सनॉर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना, तो यहां पर एक और बहुत अच्छी सिचुएशन बनती है। आप देखो क्या, जैसे ए एक्सॉर बी है, क्या होता है ए बार बी प्लस ए बी का बार, मान लो इसको y मान लो, ठीक है। अगर मैं इसका ड्वेल ले लूं, आप सभी को याद है हमने ड्वेल पढ़ा था, ड्वेल लॉजिक, ड्वेल लॉजिक में हमने क्या किया था, डॉट को प्लस और प्लस को डॉट किया था, याद है अच्छे से, बार को नहीं छेड़ना, मैंने बोला था वहां पर। तो क्या हो जाएगा आपका a बार प्लस b और a प्लस b बार, ये आपका ड्वेल हो जाएगा, ठीक है। डॉट को प्लस, प्लस को डॉट किया मैंने, बस और कुछ भी नहीं किया। तो a इंटू ए बार जीरो, b इंटू बी बार जीरो, तो आंसर क्या आएगा, ए बी प्लस ए बार बी बार, जो कि होता है ए एक्स नॉर बी।
तो इसका मतलब देखो, ए एक्स और बी, ए एक्स नॉर बी टू इनपुट के लिए कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं और कहीं ना कहीं टू इनपुट के लिए ड्वेल भी होते हैं। तो देखो ये एक सिंपल सा एनालिसिस था जो मेरे माइंड में आया, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। इस प्रॉब्लम में देखो हमने कॉम्प्लीमेंट का लॉजिक यूज किया था, इस प्रॉब्लम से इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसमें तो कॉम्प्लीमेंट का लॉजिक हमने यूज किया था, लेकिन देखो जगह जगह इसका रिलेशन भी यूज हो सकता है। तो न्यूमेरिकल में ना आपको अपने अकॉर्डिंग ना और चीजों को बनाना पड़ता है और चीजें आपको सोचनी पड़ती है कि कैसे आप, मतलब कि जो कंसेप्ट आपने सीख रखे हैं उनका आप इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हो, वो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सबको क्लियर हो गया अच्छे से? तो आज के लेक्चर में जो हमने नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट पढ़ा वो कंप्लीट होता है आपका, और कुछ मैंने एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी आपको कराया, मैं न्यूमेरिकल और कराते चलूंगा लॉजिक गेट के ऊपर, बहुत सारे न्यूमेरिकल हमें डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉर गेट एज अ यूनिवर्सल गेट पढ़ेंगे और लास्ट में फिर से मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगा लॉजिक गेट्स के ऊपर। ठीक है, तो आज का लेक्चर फिर हम लोग यहीं स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू।